आज उनके इस मेरी इजा संस्मरण जो उन्होंने अपनी जीवन के लिखे हैं, जिसमें उत्तराखंड के वो निवासी हैं और उन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक के पूरे अपने जो अध्यापन का उनका कार्यकाल रहा, बचपन का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद उन्होंने कॉलेज की अपनी शिक्षा प्राप्त की और देन उनका अपना जो प्रशासनिक अनुभव रहा है, एक छोटे प्रशासनिक पद से लेके आज एक बड़े प्रशासनिक पद तक, उन सब का अपना जीवन का संघर्ष, अपनी जो उन्होंने तपस्या की है, जो प्रयास किए हैं, जो अध्ययन किया है, जो बुज़ुर्गों से सीखा है, उस पर मेरी इज़ा, यानी इज़ा का अर्थ है माँ, और उस पर उन्होंने माँ को समर्पित करते हुए जो पुस्तक का आज यहाँ विमोचन किया, निश्चित रूप से उन्होंने हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में तो अपनी पहचान है ही, बट आज ये भी साबित कर दिया है कि राजस्थान में उत्तराखंड का व्यक्ति आके और पूरे राजस्थान में किस तरीके से अपनी प्रशासनिक पहचान के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी, चूँकि इस समारोह में काफ़ी वरिष्ठ साहित्यजन भी उपस्थित थे और सबने उनकी जो इस साहित्यिक अंदाज है, साहित्यिक जो किताब है, रात 26वीं उनकी जो पुस्तक का विमोचन हुआ, मुझे भी ये जानकर काफ़ी प्रसन्नता है कि हमारा प्रशासनिक जो परिवार का व्यक्ति है वो साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत इस तरीके की अपनी अनूठी पहचान और अपना नाम रोशन किया हुआ है। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई, धन्यवाद। देखिए सर, खासकर जी साहब हैं, उनकी पाती बड़ा चर्चा का विषय रही, पापा घर का भाओगे वो पुस्तक ही बड़ी चर्चा में रही। किस तरह उन पुस्तकों को देखते हैं, अगर जिस तरह से आज मेरी इजा है, काफ़ी इसमें एक परिवेश झलक रहा है, पूरा एक का कहानी है उनके परिवार की, परिवेश की, उसको लेकर क्या चीज़ें हैं? देखिए, मेरी पाती जो पुस्तक है वो चूँकि आप जानते हैं कि आधुनिक युग में अभी इस समय के जो वर्तमान वातावरण चल रहा है, जिसमें पूरा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन और इसका ज़माना है, SMS और व्हाट्सएप का ज़माना है, उसमें उन्होंने पाती का जो महत्व है और मेरी पाती में जो पाती का महत्व है उसको पूरा उन्होंने चित्रित किया है। और यहाँ हमारे ज़िले में अभी चुनाव में भी हमें उन्होंने जो हमारे विद्यालय हैं, जो अपने कॉलेज हैं, उन सब में भी एक मुहिम चलाई और बच्चों ने अपने पेरेंट्स को पाती लिखी और उसमें मैंने उन पातियों को पढ़ा तो देखा कि उन्होंने बच्चों ने अपनी बहुत भावनाएं उसमें लिखी हुई हैं और अपने पेरेंट्स को मतदान करने के लिए किस तरीके से प्रेरित किया, बाध्य किया, और तो वो एक काफ़ी अच्छी मुहिम है मेरी पाती, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी भावना जो है वो व्यक्त करने का मौका मिलता है। और आप देखेंगे मेरी पाती पुस्तक को यदि पढ़ के कि उसमें किस तरीके से हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उन्होंने भावनात्मक रूप से अपने गुरुजनों को पाती लिखी, अपने पेरेंट्स को पाती लिखी, अपने मित्रों को पाती लिखी और उन पातियों में उन्होंने बड़ी बहुत ही अत्यंत हृदय की गहराइयों वाली जो बात है, मन की दिल की जो बात है, जो एक तरीके से इंसान को सजीव बनाती हैं, जागृत करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उस तरीके की बातें उन्होंने उसमें चित्रित की है। तो बहुत अच्छा ये मेरी पाती वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था नेगी जी के प्रयासों से, उससे हमारे मतदान के प्रतिशत में भी हमें इजाफा हुआ है।